स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। हाईवे पर ट्रैक्टर की लूट की घटना को अंजाम देने वाला गिरोह का पूर्णिया पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। इस गिरोह के सरगना समेत आधा दर्जन सदस्यों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने पूर्व में लूटे गए 4 ट्रैक्टर, 3 ट्रॉली, लूटी गई 200 CFT गिट्टी, घटना में प्रयुक्त पल्सर बाइक व लूटी गई 2 मोबाइल फोन भी बरामद करने में सफल रही है। गिरफ्तार बदमाशों में मोहनपुर ओपी क्षेत्र के मोहनपुर का नीरज कुमार, के नगर थाना क्षेत्र के कजरा मोड़ का सुजीत कुमार, रुपौली थाना क्षेत्र के गद्दी घाट का सिकंदर मंडल के अलावे कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के दुचदे सिमरिया निवासी मनीष कुमार मंडल उर्फ लड्डू, विनोद मेहता व मुनिलाल यादव उर्फ मुन्ना कुमार यादव शामिल है। पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और उन्हें जेल भेज दिया है। सुनिए इस पूरे मामले में क्या कुछ बता रहे हैं पूर्णिया पुलिस अधीक्षक दयाशंकर। अप्रैल और मई के महीने में, 2 महीने में 3 ट्रैक्टर के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। 9 अप्रैल को, 2 मई को और 31 मई को इस गिरोह के द्वारा ये मॉडल ऑपरेंडी अपनाया जाता था कि रैंडमली जो भी ये ट्रैक्टर में कोई सामान लोड किया हुआ देखता था, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो छड़ हो, उस पर अटेम्प्ट लेता था और उसे ये लूट के ड्राइवर को हाथ पैर बांध कर बगल में छोड़ देता था और उसके बाद इस सामान को दूसरे जिले में जाके बेच देता था। ये अभी जो रिसेंट 31 मई को घटना घटित हुई थी के नगर थाना क्षेत्र के कजरा मोड़ के पास, तो बाकी 3 घटनाएं भी इसी थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर घटित हुई थी। तकनीकी साक्ष्य और मानवीय सूत्रों के आधार पर हम लोगों ने लगातार इस पर काम किया। सुरेंद्र कुमार समेत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में 3 गठित की गई, जिसमें के नगर थाना प्रभारी विकास कुमार आजाद, तकनीकी शाखा के प्रभारी पंकज आनंद एवं तकनीकी शाखा के अन्य कर्मी इसमें शामिल थे। लगातार इन लोगों के द्वारा 2 दिन काम किया गया और विभिन्न जगहों से 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और चारों के चारों जो ट्रैक्टर लूट का घटना घटित हुआ था, 1 दिसंबर में घटित हुआ था, उसका उद्भेदन कर लिया गया है। आपका 4 ट्रैक्टर का इंजन, 3 ट्रेलर और जो गिट्टी लगभग 200 CFT गिट्टी की लूट हुई थी वो भी बरामद हुआ है। उनके पास से 1 पल्सर मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल बरामद हुआ है। इनके द्वारा घटना को स्वीकार किया गया है। सुजीत कुमार का घर के नगर थाना अंतर्गत कजरा के पास पड़ता था, तो इस कारण सारे अपराधी वहीं पर जुटते थे और इस घटना को उसी क्षेत्र में अंजाम देते थे। इसके बाद आपका कटिहार और दूसरे जगहों पर जाके ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के सामान को बेचने का ये काम करते थे। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कहाँ के अंदर? मोहनपुर, पूर्णिया, कटिहार, इन 3 जगहों के मुख्य आने वाले हैं। सभी मुख्य सरगना के तौर पर किसका असर? नीरज कुमार इसमें जो गिरफ्तार हुआ है वो इस गिरोह का मुख्य सरगना है। इसके द्वारा ही प्लानिंग भी किया जाता था और एग्जीक्यूशन भी किया जाता था और लोगों को अलग अलग जगहों से लाने का काम भी इसका था, बिकवाने का काम भी इसका था लूटे गए सामान को। अभी आप लोगों को जैसे पता है कि मक्का का सीजन के कारण गुलाब बाग में बहुत ज़्यादा मक्का का ट्रांजेक्शन होता है, इस क्रम में ये लगातार नज़र उन्हीं गाड़ियों पर रखते थे जो सिंगल ड्राइवर, बहुत सारी गाड़ियों में ड्राइवर के साथ कुछ और लोग चलते हैं लेकिन इनके टारगेट पे सिंगल ड्राइवर वाली गाड़ी रहती है, केवल ड्राइवर रहो और गाड़ी में सामान लूटो, ये उसी को अटेम्प्ट करते थे। सामान के जहाँ खरीद बिक्री होती थी उन लोगों से कुछ? हाँ, उन लोगों के पास से हम लोगों ने जैसे कहा कि 6 अभियुक्त की इसकी गिरफ्तारी हुई है, इसमें सामान खरीदने वाले भी शामिल हैं और 200 CFT गिट्टी की हम लोगों ने बरामदगी की है। बाकी जैसे मक्का था, मक्का को उन लोगों ने कहीं दूसरे जगह बेच दिया था, तो उस संबंध में हम लोग रिकवरी के लिए लगे हुए हैं। मक्का या मक्का का बेचा हुआ जो पैसा है